चल। देखिए दोस्तों, हम लोग रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं बोले क्योंकि रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं। ट्रेन आ जाएगा क्या दोस्तों, हम लोग पूरा फुल मस्ती के साथ में हम लोग घर जा रहे हैं। देखिए कहाँ कहाँ घूमते घूमते जा रहे हैं हम लोग। तो आज पूरा मज़ा आया हम लोगों को घूमने में, और वीडियो में भी पूरा मज़ा आएगा। देखिए आज इनका एकदम हालत ख़राब कर दिए पैदल चलाते चलाते। तो स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं डिहरी ऑनसोन ब्लॉक में, अनुमंडल में। मेरा कागज़ डॉक्यूमेंट कोई गड़बड़ा गया है, इसलिए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट सुधारने के लिए। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल विशाल कुमार वर्ल्ड में आप लोग, और देखते रहिए क्योंकि हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो भी डालेंगे। और वहाँ जाएंगे तो वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे कौन कौन सा काम करने आए हैं। देखिए हम जा रहे हैं हमारे बाबू के पापा, देखिए बाबू के पापा भी जा रहे हैं, बाबू के लिए हैं, और छोटे बाबू को घर पर छोड़ दिए हैं क्योंकि सो गया था। मेरी मौसी यहीं पर है, मौसी के काम में मेरा शादी हुआ है, रिलेशन में शादी हुआ है, मौसी मेरी यहीं पर रहती हैं बगल में। तो मौसी के घर छोड़ दिए हैं, बाबू सो गया है, मौसी की लड़की है, सब खिलाएगी उनको, अच्छा से ख्याल रखती हैं। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए इस बहन को कि ये बहन आगे की तरफ बढ़ सके, और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और क्योंकि आपके आप लोगों के आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं दोस्तों। ना गंदा है, गंदा है, रुको चलिए ना, बहुत परेशानी झेल कर जाना पड़ता है दोस्तों। हम लोग शॉर्ट रास्ता से जाते हैं क्योंकि जो रोड वाला रास्ता है बहुत लंबा पड़ता है, ऐसे शॉर्ट पड़ता है, इसलिए चल जाते हैं ऐसे ही। तो देखिए हम लोग अभी जा रहे हैं गाड़ी पकड़ने, डॉक्यूमेंट मेरा दोस्तों गड़बड़ा गया है, डॉक्यूमेंट के चलते मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, रुक जा रहा है। देखिए बाबू के पापा हैं, लीजिए दोस्तों, अभी इनसे कुछ बात कीजिए। नमस्कार। जैसा कि आप लोग देखें दोस्तों इस ब्लॉग वीडियो में, प्रियंका बोली कि हम लोग जा रहे हैं डॉक्यूमेंट का काम कराने, तो सही में हम लोग डॉक्यूमेंटे सुधार करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, हम एक आयुष को लेकर के जा रहे हैं, और छोटा बेटा मेरा घर पे है, जैसा कि बताई कि मेरे मौसी के घर में है, तो इसका मौसी यहीं पे है, और इसी रिलेशन की वजह से हम लोग का शादी हुआ है, और इसी की वजह से हम लोग छोड़ दिए हैं इसी के मौसी के पास, प्रियंका के मौसी के पास है बाबू छोटा। हम लोग जा रहे हैं, दो बच्चा लेकर जाने में दिक्कत होता है, और दो लड़का है बस, इतना ही छोटा परिवार हम लोग सोच रहे हैं रहने के लिए, आगे नहीं बढ़ाएंगे आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी वीडियो में। आगे चल के आ गए हैं रोड पे गाड़ी पकड़ने। दोस्तों देखिए हम लोग रोड पर आ चुके हैं गाड़ी पकड़ने के लिए, और गाड़ी बहुत लेट है, अभी नहीं मिल रहा है गाड़ी। देखिए हम लाइन मार रहे हैं लड़की पे, देखिए बाबू के पापा जो है लड़की पर लाइन मार रहे हैं, देखिए लड़की के जाम कितना है हमको जला रहे हैं। देखिए आप लोग बताइए कि क्या, आप लोग बताइए इनको क्या करना चाहिए। गाड़ी भी आई है, गाड़ी देखिए आ गया ऑटो, हम लोग इसी ऑटो में बैठ कर जाएंगे। उस लाइन पर ट्रेन आ रहा है, दोस्तों
तो देखिए ऊपर सब लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पानी फुल गया है। ऊपर का सीन दिखाओ। क्या दिखा है? देखिए वो पुल है दोस्तों और रुक गया है, इसलिए गाड़ी बंद हो गया है, जा पा रहे हैं गाड़ी इसलिए लाइन से जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों का क्रॉस करना पड़ रहा है। दोस्तों ये ओवर ब्रिज टूटने के कारण हम लोग रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं और इसमें देखिए एक ट्रेन था वो पार हो चुका है और हम लोग जाएंगे आगे और हमारे ब्लॉग वीडियो को आगे बढ़ाइए। अब हम इसी के ऊपर सौंप दिए हैं दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, देख रहे हैं इसका टैलेंट कैसा है, इसी की वजह से हम दे चुके हैं मोबाइल प्रियंका के नाम, यही बनाएगी यही करेगी। चलो देखिए ये क्षतिग्रस्त हो चुका है पूरी तरह से, इसीलिए इसके ऊपर से गाड़ी नहीं जा रहा है और इसका परेशानी हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो चलिए मिलेंगे, देखते रहिए हमारे YouTube चैनल विशाल कुमार वर्ल्ड और न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों हम लोग आए हुए हैं ब्लॉग पे और देखिए यहाँ पे काम आधा हुआ आधा बाकी है, अब 12 तारीख के बाद में बोल रहे हैं लोग आने के लिए। तो देखिए यही हम लोग का ब्लॉक है और यहाँ पे कोई भी काम करवाना रहता है हम लोग के क्षेत्र के यहीं पे आकर के काम कराते हैं। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी फील्ड भी है इसमें, यहाँ पे बहुत काफ़ी भीड़ भी रहता है, ढेरी ब्लॉक है। तो हम लोग आए थे यहाँ पे खास एक कागज़ का काम था, हम बताएंगे बाद में। और देखिए तो हम दे रहे हैं इन्हीं के पास फ़ोन क्योंकि यही शूटिंग करेंगी, अब इन्हीं के जिम्मा हम सौंप रहे हैं अपना मोबाइल। लो जी चलिए ना दोस्तों, आप जा रहे हैं आप, हम लोग जाएंगे दोस्तों, फिर आना है 12 तारीख बाद में, जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन आएंगे। तो हम लोग आकर के देखिए बैठ चुके हैं कहाँ, ब्लॉक में। आयुष बाबू थक गया है, देखिए आयुष खा रहा है खाना, भूख लग गया इसको। आयुष नमकीन खा रहा है। क्या खा रहे हो? नमकीन। तो कुछ काम हुआ दोस्तों और कुछ बाकी रह गया, 12 तारीख के बाद में आएंगे काम करवाने के लिए, फिर आना पड़ेगा। अरे कोई भी कागज पत्र का काम 4 बार 5 बार जब से दौड़िएगा नहीं तब से काम हो भी नहीं करेगा, खास करके बिहार में। तो बिहार का काम ऐसा ही होता है, दौड़ते दौड़ते आप परेशान हो जाइए, जो थक गया उसका काम नहीं होगा, जो दौड़ रहा है तो जब तक दौड़ रहे तब तक तो मैंने ठीक है, लेकिन दौड़ते दौड़ते बैठ गया तो बस काम बंद। इसीलिए हम लोग दौड़ रहे हैं, हार नहीं मानेंगे जब तक ये काम नहीं होगा। देखिए इनका काम है, इसी की वजह से हम इनको साथ में लेकर के आए हैं, नहीं तो केवल हम ही आते हैं। दो काम है, दोनों में एक में इसका काम है और एक में मेरा काम है। चलिए आगे चलते हैं, फिर ब्लॉग छोड़ते हैं और ब्लॉग वीडियो के पीछे पड़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था सब चीज़ सही है, इतना कागज़ का काम है कि लोग एकदम परेशान हैं, कितना कोई पदाधिकारी काम करेगा काम। बाबू देखिए कहाँ पे जाता है, अब इधर आओ, देखिए कहाँ पे जाके छिपा है। दोस्तों हम लोग पूरा फुल मस्ती के साथ में हम लोग घर जा रहे हैं, देखिए कहाँ कहाँ घूमते घूमते जा रहे हैं हम लोग। तो आज पूरा मज़ा आया हम लोगों को घूमने में और वीडियो में भी पूरा मज़ा आएगा। देखिए आज इनका एकदम हालत ख़राब कर दिए पैदल चलाते चलाते, देखिए अब हम लोग स्टेशन होते हुए भी जा रहे हैं, देखिए बैठ गए का है, चलो शॉर्ट वीडियो डालने का टाइम नहीं है, चलो जल्दी डांस वाला ना, चलो भैया फिर गाड़ी छूट जाएगा। तो दोस्तों हम लोग स्टेशन पे फेंक दो चाहे ले लो, उसे हमारा क्या मतलब, खा लो ली। अरे खा लो ली, तन खा ली।
दोस्तों ये पति पत्नी का प्यार है। अभी मेरे कुछ समय पहले झगड़ा कर रही थी, अभी मुंह में खाना खिला रही है। होता है झगड़ा हो तो एक व्यक्ति को चुप हो जाना चाहिए, प्यार हो तो दोनों को शांत हो जाना चाहिए। काजी प्यार में दोनों चुप, झगड़ा में एक चुप, बात आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ घर को चलाना है तो यही सोच के चलना है। बताइए एक, एक सुबह के गए हुए, अभी आ रहे हैं हम लोग, 4 बज गया शाम। हम खाना खाने के लिए बोल रहे हैं कुछ भी तो नहीं खा रही थी अपना, और तीता लग गया है जी।